मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, तो उसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि छू ना सके पतंग आपकी आसमान तो ना सही, छू ना सके पतंग आपकी आसमान तो ना सही, किसी के दिल को छू लेने का जो आनंद होता है वो आसमान से कम नहीं। खुशियों का उत्सव, मीठा खिलाने का उत्सव, और इस जो नए वर्ष का ये उत्सव बहुत ही खास होता है मकर संक्रांति, जब सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और अपने जीवन से सारे नकारात्मकताओं का अंत कर एक सकारात्मक शुरुआत भी होती है। तो यहाँ पर हम इस वक्त मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हैं, जहाँ काइट फेस्टिवल आयोजन किया जा रहा है जिसका, और आज यहाँ पर पतंग उड़ाते हुए लोग दिख रहे हैं और कोई एज बैरियर नहीं है, मतलब किसी भी उम्र के लोग यहाँ पतंग उड़ा रहे हैं। सर, बहुत ज्यादा पतंग उड़ाने में खोए हुए हैं आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कल दो दिन यहाँ पतंग फेस्टिवल था, 14 और 15 तारीख को, 14 तारीख को नहीं आया था, 15 तारीख को आया मैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पतंग उड़ाते हुए, बहुत सारी रंग बिरंगी पतंगें दिख रही हैं। मकर संक्रांति का त्योहार मनाने में बहुत ही आनंद आ रहा है। हमारे साथ हमारी श्रीमती जी अनिता जी हैं और हमारी एक भाभी हैं वंदना जी, ये हमारे साथ आई हुई। इनको बहुत शौक है पतंग उड़ाने का, ये लेके आई है मुझे। मैं भोपाल से हूँ, वंदना जी भी भोपाल से हैं। आज के दिन बोलते हैं तिल गुड़ खाओ मोट मोट बोलो, मीठा मीठा बोलो, तिल गुड़ खाओ मीठा मीठा बोलो। बस आज के दिन खिचड़ी खाई जाती है, भगवान के मंदिर में भी खिचड़ी और तिल का भोग लगाया जाता है। दान दक्षिणा का बहुत महत्व है आज के दिन, और यहाँ हमारी भाभी के साथ हम पतंग उड़ाने आए। हमारी संस्कृति में वैसे भी बताया गया है कि सारे धर्मों को एक साथ लेके चलते हैं, तो खिचड़ी का वही महत्व है कि उसमें सारी चीज़ों को मिला के हम खाते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। और ये क्या बोलते हैं उससे, ये मकर संक्रांति में इसका विशेष महत्व होता है, खिचड़ी खाने का, तिल के लड्डू खाने का और पतंग उड़ाने का। तो वो इंजॉय करने के लिए हम नेहरू लाल स्टेडियम में आए हुए हैं, तो यहाँ लोग जो है वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है और उनके फादर भी हैं, तो हम वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हैं और पॉजिटिव लग रहे हैं। तो वो मकर संक्रांति आपके लिए क्या मायने रखता है, कोई स्पेशल मैसेज जो आप चैनल के थ्रू देना चाहें, और इस काइट फेस्टिवल में क्या कुछ है स्पेशल? पतंग उड़ाने का हमें बचपन से ही शौक था मुझे, और वही शौक मेरी बिटिया को भी आया है। और एक स्पेशल मैसेज जो हमारी बिटिया देगी, बताओ बेटा जो मानने की रिगार्डिंग। नाम बताइए। मेरा नाम अभवी पवार है। हमारे जो न्यू नरादावम कॉलोनी है उसके पीछे एक स्लम एरिया है, तो मैं आज ही मेरी ईवीएस की बुक पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि मकर संक्रांति आ रहा है, तो उसी के ऊपर एक चैप्टर था कि क्या चीज़ें डूज एंड डोंट्स हैं उसमें, तो उसमें आया कि चाइनीज मांझा क्यों अलाउड नहीं है, उससे हर्ट होता है बहुत। तो अभी हमारे पीछे आज मेरा एक फ्रेंड आया और उसने कहा देख मैं क्या लाऊं, क्या लाया हूं, तो उसने निकाला और वो चार चार गड्डी ना वो चाइनीज मांझा लेके आया था। तो मैंने कहा यार ये तो अलाउड नहीं है, तो फिर मैंने पापा से कहा, फिर पुलिस को फोन लगाया वगैरह वगैरह। उस पर मैसेज क्या देना चाहोगी आप कि क्या यूज नहीं करना है? चाइनीज नहीं यूज करना, नहीं चाइनीज मांझा बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, उससे सबको हार्म होता है, हमको भी और बर्ड्स को भी। तो ये बहुत ही यूनिक मैसेज दिया बच्ची ने कि चाइनीज जो होता है वो हमें नहीं यूज करना चाहिए, इससे बर्ड्स को भी हर्ट होता है। तो मकर संक्रांति पर हम इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रख सकते हैं। मकर संक्रांति को लेकर सभी में उत्साह है, और यहाँ पर फैमिली बच्चे के साथ आए हुए हैं, सब अपने अपने फैमिलीज के साथ आए हैं और बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। सर, मकर संक्रांति में पतंग उड़ा के कैसा लग रहा है मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में, और कोई मकर संक्रांति पर स्पेशल मैसेज आप? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले बचपन में पतंग उड़ा दिया करते थे, देखते थे कि पतंग कटी है, फिर उसको लूटना, फिर वहाँ जाके उसको पकड़ना, वो अलग ही इन्जॉयमेंट था। आज बच्चे उड़ाते हैं, फैमिली भी मेरी आई हुई है, मेरी छोटी बच्ची 2.5 साल की, वो भी इस मोमेंट को इन्जॉय कर रही है। ये देखने में बहुत बड़ा अच्छा लगता है, और ये कोई ओकेज़न ये सरकार के द्वारा अच्छा किया गया है। यहाँ सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है और बढ़िया यहाँ पे एटमोसफेयर दिया गया है, और मेरे लिए मतलब सभी के लिए मेरी तरफ से मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आइए यहाँ लाल मोतीलाल स्टेडियम में आइए और पतंग उड़ाइए और उसका मजा लीजिए। मकर संक्रांति को लेकर सभी में उत्साह है, यहाँ मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, मतलब सब मिल करके इंजॉय कर रहे हैं, मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैम, कैसा लग रहा है आज यहाँ पे पतंग उड़ा के, और क्या कुछ यादें ताज़ा होती है बचपन की, या ऐसा? अपना नाम बताइए। मेरा नाम सविता अग्रवाल है।
आज हम लोग यहाँ बच्चों को लेकर आए हैं पतंग उड़ाने, उनको अपना कल्चर पता चले कि आज के दिन क्या होता है। आज के दिन गुड़ तिल के लड्डू बनते हैं, बच्चों को देते हैं, मंदिर जाते हैं और बस यही सब करके आज का फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं। बच्चों में भी मतलब उनको याद रहे कि क्या क्या होता है आज के दिन, इसलिए पतंग उड़ाई जाती है। पतंग उड़ाने आए हो? उड़ाया पतंग? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। और यहाँ पे एक बच्ची भी है, कोई मकर संक्रांति में जैसे पतंग उड़ाते हैं और भी कुछ ऐसा कोई स्पेशल मैसेज जो आपको अच्छा लगता हो, कुछ देना चाहो, आप बोलना चाहो? अपना नाम बताएं। पतंग उड़ाने, मेरा नाम अभिका अग्रवाल है, मुझे पतंग उड़ाना अच्छा लगा। यहाँ पे मैं आपकी मम्मी के साथ आई हूँ। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग जो भी हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे हैं, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। तो आज मकर संक्रांति के अवसर पर आप भी तिल गुड़ के लड्डू खाइए, खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए। इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।